नहीं आप पकड़ लें, आप दोनों पकड़ लें। यू बिलोंग प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा में ड्राइंग में करेंगे। प्रश्न है रेखाखंड का प्रकार की सहायता से लंब अंतर खींचो, या हम यूं कह सकते हैं कि एक सरल रेखा के को दो समान भागों में बांटो। ये प्रश्न है, हम इसको रचना किस प्रकार करेंगे। आपने पहले एक रेखाखंड खींच लेना है। रेखाखंड की माप कितना हो सकता है वो या तो आपको दिया होगा या आप अपनी मर्जी से रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रकार को खोलेंगे। प्रकारों कितना खोलेंगे, प्रकार को आप आधे से ज़्यादा, यानी प्रकार को आधे से ज़्यादा ऐसे खोलेंगे। खोल के उसको चाप लगाएंगे, यानी प्रकार रखनी कहाँ पर है, यानी यहाँ पर बिंदु ए और बी, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, यानी ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे और बिंदुदार ऐसे एक चाप लाएंगे। उसी प्रकार बी बिंदु पर प्रकार रखेंगे, प्रकार रखने के बाद उसी प्रकार बिंदुदार दानेदार आप एक चाप लगाएंगे, ऐसे उस प्रकार बिंदु दानेदार चाप लगाएंगे। जहाँ पर ये दो बिंदु चाप लगाई वो काटती है उसको ऐसे मिला देना, यानी ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। तो जहाँ पर ये सी बिंदु और डी बिंदु पर काटे तो सी और डी बिंदु को आपस में मिला देना है। तो ये हमारा एक प्रकार से लंब, यानी रेखा के दो भाग भी हो गए और ये हमारा लंब बन गया है। लंब किसे कहते हैं, लंब एक प्रकार से 90 डिग्री के कोण को लंब के रूप में उसका नाम दिया जाता है। आप क्या करेंगे, एक सरल रेखा ए बी ले लेंगे, नाम रखेंगे ए बी सरल रेखा ले लेंगे। उसके बाद ए बी सरल रेखा के लेने के बाद बिंदु ए पर प्रकार रखेंगे, प्रकार रखेंगे आधी से ज्यादा प्रकार को के चाप लगाएंगे और चाप कहे जाएंगे दानेदार बिंदुदार लगाएंगे। उसके बाद बी बिंदु पर प्रकार रखेंगे, उसी प्रकार आप एक चाप लगाएंगे। जब जहाँ पर जो कि सी और डी बिंदु पर ये आपस में काटते हैं, सी और डी को आपस में मिला देना है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, एक रेखा के दो समान भाग या लंब अर्धक। अर्धक का लंब, अर्धक का मतलब क्या है, आधा, यानी लंब को आधा उधर हो गया है और आधा उधर हो गया है। हम प्यारे बच्चों प्रश्न एक आ जाता है कि आप प्रकार को भले प्रकार से कैसे करेंगे, प्रकार के अंदर पेंसिल को अच्छे प्रकार टाइप करेंगे, और जब आप प्रकार और पेंसिल की जो नोक है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, प्रकार और पेंसिल की नोक दोनों बराबर होनी चाहिए, अन्यथा आप जो आकृति बनाना चाहते हैं, जो प्रश्न हल करना चाहते हैं, आप वो प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने टूटा साफ सुथरा हो, पेंसिल बारीक हो, और जो प्रकार की प्रकार हो वो पेंसिल जब डालेंगे उसमें अच्छे प्रकार से उसको टाइट करेंगे, बंद करेंगे, तभी आप इसका प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न का अभ्यास करेंगे। यदि आपको कहीं प्रकार कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, तो मेरा मोबाइल नंबर 98-132-034-18 पर संपर्क कर सकते हैं और मैं इसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ धन्यवाद।